गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, इसको कहा गया है कि इसने गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च की थी अपनी लैब में कोरोना वायरस पे, और उसकी वजह से ये कोरोना वायरस वहाँ से, जो सारस कोव टू भी बोलते हैं इस वायरस को, कोरोना वायरस को सारस कोव टू वायरस, और यहाँ से इसका लीक हो गया वायरस इस लैब से, और इसका ओरिजिन ऐसे हुआ। कहने का मतलब ये है, वुहान इंस्टीट्यूट, वुहान एक प्लेस है चाइना में, वुहान एक सिटी है, प्लेस है, जगह है चाइना में, वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है चाइना का ही, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, उसकी लैब है। ये लैब में रिसर्च कर रहे थे वायरस पे, और वायरस में कुछ मॉडिफाई कर रहे थे, कुछ मॉडिफाई मतलब चेंज कर रहे थे वायरस में, उसके जीन में चेंज कर रहे थे, और उस लैब से ये ओरिजन हुआ ऐसा मानना है। मे पॉसिबली ऐसा हो सकता है वहाँ से रिलीज हुआ हो। तो ऐसा रिसर्च के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसा सपोर्ट कर रही हैं कि रिसर्च होनी चाहिए कि वायरस का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि ये गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च क्या है, और एक लॉस ऑफ फंक्शन रिसर्च होती है ये किस टाइप की है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंस एंड टेक के लिए, यूपीएससी के लिए प्रीलिम में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, और मेंस में भी आ सकता है। तो देखो अभी पता तो इसका पता तो चला नहीं है कि कहाँ से वायरस ओरिजिन हुआ है, लेकिन पॉसिबिलिटी लगाई जा रही है कि गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च कर रही थी वुहान इंस्टीट्यूट, वहाँ से रिलीज हो सकता है। तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। वायरोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ वायरस, वायरोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ वायरस, वायरस के ऊपर अध्ययन करना। वायरोलॉजी में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च का मतलब ये है जब कोई साइंटिस्ट वगैरह डेलिब्रेटली, डेलिब्रेटली का मतलब है जानबूझकर, अपनी मर्जी से किसी ऑर्गेनिज्म को अल्टर करते हैं, अल्टर का मतलब चेंज, किसी ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस हो गया, कोई भी जीव हो गया, पशु पक्षी हो गया, कोई भी ऑर्गेनिज्म, जब उसके जीन में चेंज करते हैं, अल्टर करते हैं उसके जीन में, लैब में उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उसके जीन में चेंज कर रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं उसके जीन को, या कोई नया म्यूटेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई नया जीन, उसका नया जीन डाल दिया उसमें, तो किसी भी पैथोजन में, पैथोजन का मतलब है रोगाणु, कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, या फंगी, या प्रोटोजोआ, पैरासाइट, कोई भी पैथोजन हो सकता है, तो इसको चेंज करना ही गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च कहा जाता है। किस लिए गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च करते हैं, मतलब चेंज क्यों करते हैं, ये चेंज करना चाहते हैं टू स्टडी इट्स ट्रांसमिसिबिलिटी, ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब ये ट्रांसमिसिबिलिटी को स्टडी करते हैं कि इसका ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है इसका जीन का, और विरुलेंस क्या है, इम्यूनोजेनिसिटी क्या है, मतलब अगर ये वायरस ह्यूमंस में आ जाए, कोई बैक्टीरिया ह्यूमंस में आ जाए तो ये कैसे ट्रांसमिट होगा। तो इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी का मतलब ये है ट्रांसमिशन होने की एबिलिटी, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होने की एबिलिटी को ट्रांसमिसिबिलिटी बोलते हैं। और विरुलेंस और इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब है कि उसकी जो कोई भी ह्यूमन है उसकी, या ह्यूमन या कोई भी एनिमल, उसके इम्यूनिटी पे, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है इम्यूनिटी पे क्या इफेक्ट डालेगा, ये सब स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए ये सब कुछ साइंटिस्ट वगैरह जीन वगैरह में चेंज करके देखते हैं, रिसर्च करते हैं, इसी को बोलते हैं गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च। कहने का मतलब ये हो गया कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग के द्वारा की जाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग आपको पता ही है, कई बार हम बहुत सारे लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जब भी किसी जीन में चेंज करना, अल्टर करना, म्यूटेशन करना, कुछ भी, उसको जेनेटिकली इंजीनियरिंग बोलते हैं। इसके जरिए वायरस में चेंज किया जाता है, इससे क्या है, इससे उन्हें अलाउ किया जाता है टू ग्रो इन डिफरेंट ग्रोथ मीडियम, मतलब वायरस या बैक्टीरिया में जब भी चेंज किया जाता है उन्हें इस तरह से कैपेबल बनाया जाता है कि वो दूसरे मीडियम में भी ग्रो कर सकें, और एक टेक्निक यूज करते हैं जिसे बोलते हैं सीरियल पैसेज टेक्नोलॉजी। सीरियल पैसेज टेक्नोलॉजी क्या होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है कि बैक्टीरिया और वायरस को इटरेशन के जरिए ग्रो करते हैं। इटरेशन का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, जैसे मान लो एक एनवायरनमेंट में वायरस या बैक्टीरिया को ग्रो किया, मतलब वायरस को डेवलप किया, बनाया, और उस वायरस को वहाँ से फिर हटा दिया एक एनवायरनमेंट में, और फिर दूसरे एनवायरनमेंट में वो छोड़ दिया, न्यू एनवायरनमेंट में छोड़ दिया। एनवायरनमेंट का मतलब ये हो गया, मान लो यहाँ पे नॉर्थ पोल पे सर्दी पड़ रही है, यहाँ पे एनवायरनमेंट डेवलप किया ज़्यादा ठंड में, और फिर ये मान लो टेम्परेचर लैब में डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर कर दिया माइनस में, और अब जब इसे यहाँ से हटा के दूसरे टेम्परेचर में डाल दिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो दूसरे इन्वायरमेंट में, इसी प्रोसेस को बोलते हैं सीरियल पैसेज टेक्निक्स को या मीडियम को यूज करके ये स्टडी की जाती है कि वायरस की कैपेबिलिटी देखी जाती है कि डिफरेंट ग्रोथ इसकी कैसे हो सकती है दूसरे इन्वायरमेंट में, ये इसमें स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है।
इसके सिग्निफिकेंस क्या हैं, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कि साइंटिस्ट करते क्यों हैं रिसर्च इस टाइप की इसलिए करते हैं क्योंकि ये अध्ययन करना चाहते हैं, अगर ये वायरस, मान लो ये वायरस कोई भी है जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, अगर ये ह्यूमंस में आ गया, अगर किसी आदमी में आ गया और जिस इसकी वजह से कोई बीमारी हुई, तो इसको फ्यूचर में कंट्रोल कैसे किया जाए, तो इसलिए रिसर्च करते रहते हैं, पहले ही बीमारी फैलने से पहले ही रिसर्च करते रहते हैं कि अगर ये वायरस से ह्यूमन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एनिमल्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा, और ये आ गया तो इसकी दवाइयाँ कैसे डेवलप होंगी, कि इसकी डेवलप करने के लिए जो वैक्सीन की डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है वो भी पहले से पहले अनुमान लगा सकें, एक्सपेक्ट लगा सकें कि इसकी, अगर ये वायरस ह्यूमन्स में आ गया, एनिमल्स में आ गया, तो इसकी वैक्सीन कैसे डेवलप की जा सकेगी, इसलिए पहले से पहले ही, बीमारी फैलने से पहले ही वायरस बैक्टीरिया पे अध्ययन करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं ये साइंटिस्ट। अब आता है इसमें इशू क्या है, फिर इस पर प्रॉब्लम क्या है भाई साहब, इससे रिसर्च जब इतने ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं तो, कि वायरस आने से पहले ही दवाई बन जाए, उसकी वैक्सीन डेवलप हो जाए, पता लग जाए, तो फिर इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है भाई साहब कि जब भी मान लो ये वायरस, जैसे अभी ऐसा माना जा रहा है इस लैब में, वुहान लैब में ये माइक्रोब डेवलप किया गया लेकिन यहाँ से लीक हो गया, तो इसी तरह से क्या है, ये ट्रांसमिशन इसका डेडली हो सकता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक ट्रांसमिशन हो सकता है। मान लो लैब से वायरस ट्रांसमिट हो गया पर्सन में और फैलता ही जा रहा है, जैसे करोना फैल गया, लेकिन अभी पता तो चला नहीं कहाँ से फैला है, कहाँ से ओरिजन हुआ है, मतलब ओरिजन कहाँ से हुआ है। वुहान में तो सबसे पहले मिला था, वुहान में सबसे पहले केस वुहान में मिले थे, लेकिन ये नहीं पता कहाँ से आया ये वायरस वुहान में, ये अभी तक नहीं पता चला। तो इससे ये क्या है, इशू यही है, जैसे किसी वायरस पे रिसर्च कर रहे हैं, मान लो वो आदमी में, ह्यूमंस में आ गया और फैलते ही चला गया, तो फिर उसे रोकना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो इससे गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च की वजह से कर तो रहे हैं हम गेन, गेन का मतलब होता है कुछ चीज़ हासिल करना, लेकिन गेन करने की बजाय लॉस हो सकता है, लॉस ऑफ फंक्शन रिसर्च। लॉस ऑफ फंक्शन रिसर्च का मतलब यही है, ओरिजिनल फंक्शन जो हम गेन करने जा रहे थे, इससे हमें लॉस हो सकता है, मतलब हमें नुकसान हो सकता है। हम चाह रहे थे कि पहले से पहले वायरस के बारे में पता लगा के उसकी वैक्सीन डेवलप करें, मेडिसिन, लेकिन नुकसान हो जाए कि ज़्यादा ह्यूमंस में फैल जाए और हम दवाई भी ना डेवलप करवाएं, ये लॉस ऑफ फंक्शन रिसर्च भी हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है, तो ये इससे इशू हो सकता है। नेक्स्ट ये है, ये वायरस क्या है, वीक भी हो सकता है और ये फंक्शन इसका इन्हेंस भी हो सकता है, वायरस चेंज कर ले अपने आप को, मान लो स्टडी कर रहे हैं अपने आप को, वायरस वीक कर ले या चेंज कर ले और दूसरे फंक्शन भी डेवलप कर ले, इन्हेंस कर ले। तो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च क्या हो गया, एक तरह से ये बायो सेफ्टी और बायो सिक्योरिटी को कैरी करके चलती है, बायो सेफ्टी और बायो रिसर्च सिक्योरिटी को, कहने का मतलब यही हुआ कि बायो सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा, के ऐसे जीवों से सुरक्षा चाहती है, इसीलिए रिसर्च करते रहते हैं कि इनसे मान लो ये आ जाए ह्यूमंस में, तो इससे जो रिस्क है, जोखिम है, उसको काउंटर कर सकें, और इसी को बोलते हैं डुअल यूज रिसर्च ऑफ कंसर्न, कि जो इसका मतलब ये है, रिसर्च भी करें और इसका जो प्रॉब्लम है इसको भी रोकें, साथ साथ बायो सेफ्टी भी रखें, बायो सिक्योरिटी भी रखें, तो ड्यूअल यूज़ रिसर्च ऑफ कंसर्न, ये इससे बचने के लिए ये गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च की जाती है। इससे क्या है, रिसर्च में कुछ बेनिफिट भी हो सकते हैं ह्यूमैनिटी को, बेनिफिट क्या हो सकते हैं, मान लो इसके जो पोटेंशियल हार्म है, ये नुकसान पहुँचा सकता है, वो पहले से पहले ही पता चल जाता है इससे, लेकिन नुकसान भी है, नुकसान ये है कि जैसे COVID-19 अभी संभालना भारी हो रहा है, इससे बचना मुश्किल हो रहा है, इसी तरह अगर कोई वायरस लैब से लीक हो गया, इस पर रिसर्च कर रहे हैं गेन ऑफ रिसर्च, तो फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है इससे। इंडिया में क्या सिचुएशन है इस तरह की, इंडिया ने कोई रूल वगैरह, लॉ वगैरह बनाए हैं ऐसे जेनेटिकली इंजीनियरिंग के लिए, जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म पर रिसर्च वगैरह होती है, तो ऐसे जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म सेल्स, हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो ऐसे प्रोडक्ट हैं, इंडिया रेगुलेट करता है, रूल्स बनाए हुए हैं 89 में बनाए थे, 1989 में, मैन्युफैक्चर, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली इंजीनियरिंग, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म और सेल्स रूल्स, ये रूल्स बनाए थे 1989 में, इन रूल्स के जरिए ये इसको रेगुलेट करता है, ऐसे जेनेटिकली इंजीनियरिंग जो अल्टर करते हैं जीन वगैरह को, इनको इस रूल से रेगुलेट करते हैं इंडिया में। 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कुछ गाइडलाइंस जारी की थी, इशू की थी, जो बायो सेफ्टी लेब्स के लिए हैं, मतलब ऐसी फैसिलिटी वगैरह जो ऐसे अल्टर करते हैं वायरस वगैरह को, इनके लिए, बायो सेफ्टी लेब्स के लिए, जो बायो सेफ्टी लेब्स होती हैं उनके लिए ये गाइडलाइंस जारी की 2020 में। नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है इनका, इंडिया का एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, जो बायो हजार्ड और लेवल ऑफ बायो सेफ्टी के लिए, इनको कंटेनमेंट करने के लिए, रोकने के लिए गाइडलाइंस वगैरह जारी किए हैं इसी में, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के लिए। कुछ डिबेट चलती रहती है गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च पे,
कुछ प्रोपोनेंट हैं और कुछ इसके क्रिटिक्स हैं। प्रोपोनेंट का मतलब है जो इसे सपोर्ट करते हैं गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च को, वो कहते हैं ये अच्छी है क्योंकि इससे क्या है साइंस और गवर्नमेंट प्रिपेयर हो जाती है फ्यूचर पेंडेमिक के लिए, मतलब आगे क्या है बेटर रेडी रह सकती, तैयार रह सकती कि फ्यूचर में कोई मान लो ऐसा पेंडेमिक आ जाए कि अगर मान लो कोरोना वायरस के पहले ही आने से पहले पता होता तो इसको रोका जा सकता था, तो अगर पहले ही ऐसे पेंडेमिक के बारे में पता हो तो उसे कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट ये है कि जो अल्टीमेट नेचर का बायोटेररिस्ट की तरह काम करती है नेचर। बायोटेररिस्ट का मतलब अगर मान लो कोई वायरस बैक्टीरिया आ जाए और वो एक तरह से जैसे आतंकवाद फैलता है, बम वगैरह फोड़ के आतंकवादी ख़त्म कर देते हैं लोगों को, ऐसे ये क्या अचानक से फैलता है और लोगों को मारता चला जाता है, तो इस तरह से वन स्टेप अहीड हो सकता है अगर गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च करेंगे, पहले से पहले वायरस के बारे में पता चलेगा उसके लिए दवाइयाँ और वैक्सीन डेवलप की जा सकेंगी, तो इसलिए प्रमोट करते हैं कुछ लोग। लेकिन कुछ क्रिटिक्स भी हैं, बुराई भी करते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई साहब कोविड 19 पेंडेमिक के जैसी अगर मान लो अगर वो ऐसा पता चला वुहान की लैब से ही लीक हुई है, तो अगर ऐसी पेंडेमिक लीक हो तो उसे संभालना बहुत मुश्किल हो सकता है। नेक्स्ट एक ये क्रिटिक बोलते हैं कि इससे क्या है लिविंग जो थिंग्स हैं वो अल्टर हो सकती हैं, एक्सटिंक्शन हो सकता है उनका, मतलब ख़त्म हो सकती हैं लिविंग थिंग्स। जैसे मान लो ये ऐसा वायरस आए एनिमल्स को फैल जाए तो एनिमल्स को बचाना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तो एनिमल्स पूरे एनिमल्स को मान लो ख़त्म कर दे, तो जंगली जानवर को ही ख़त्म कर दे, तो जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकता है, ऐसे इसके कुछ परिणाम हो सकते हैं, तो कुछ क्रिटिक्स इसलिए इसकी बुराई भी करते हैं। वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है, मतलब सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सॉल्यूशन यही हो सकता है जो डुअल यूज रिसर्च कंसर्न है, ये रियूज कंसर्न है, इसके लिए क्या है WHO कुछ एक्टिविटीज़ के लिए लीड करे, कुछ गाइडलाइंस जारी करे द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कोई रेस्पॉन्सिबल यूज होना चाहिए ऑफ लाइफ साइंस रिसर्च, एक ऐसी गाइडलाइंस या रूल्स हो पूरे वर्ल्ड वाइड जो रेस्पॉन्सिबल यूज के लिए इनका मतलब यूज करे, तो इन्हें सिर्फ रेस्पॉन्सिबल यूज हो इनका, और फोकस करें मिटिगेशन और प्रिवेंशन के लिए बायो रिस्क का, मतलब जो भी मान लो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनसे जोखिम है रिस्क है, जिन कोई वायरस बैक्टीरिया है जिनसे नुकसान हो सकता है, इन्हें मिटिगेट करने के लिए मतलब इन्हें का जो प्रभाव है रोकने के लिए, कम करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए ही काम करें, ये साथ साथ एथिकल इशू से भी एसोसिएटेड हो। नेक्स्ट क्या हो सकता है, ग्लोबल गाइडेंस फ्रेमवर्क तैयार किया जाए कंट्रीज़ के लिए, मतलब ऐसा गाइड एक फ्रेमवर्क रूल्स वगैरह बनाए जाएं ग्लोबल लेवल पे जिनके थ्रू ऐसी रिसर्च वगैरह को रेगुलेट किया जा सके, और अगर कोई रिसर्च हो तो वो ट्रांसपेरेंट मैनर में हो, एक ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए ऐसी रिसर्च के बारे में, मतलब अगर मान लो जैसे वुहान में रिसर्च कर रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट में रिसर्च कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड उसके बारे में जानकारी हो कि इस वायरस पे इस बैक्टीरिया पे ये रिसर्च कर रहे हैं, तो पूरी ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। तो यही था बस इस लेक्चर में।